मीठा खाने की तलब हो रही है, जल्दी जल्दी में आम कैंडीज मत खरीद लेना। हमारी इस नए वीडियो में खाने लायक मीठे आइडियाज देखें। अपनी पसंदीदा कैंडीज को जल्दी और आसानी से छोटा या बड़ा बनाएं। डॉली चॉकलेट फैक्ट्री की ट्रिप से वापस आ गई है। वो बहुत भावुक हो रही है। उसने अपना खास गोल्डन टिकट नीली आंखों वाली लड़की को दिखाया। एकदम से नीली आंखों वाली लड़की के हाथों में फ्रुटेला आ गई। ये साधारण नहीं है, बल्कि एक नन्ही फ्रुटेला है। च्यूई कैंडीज को 6 टुकड़ों में काट लें। इसे चपटे क्यूब का आकार दें। एक बड़े रैपर से नन्ही कैंडीज के लिए रैपर्स काटें। आम कैंडीज की तरह नन्ही कैंडीज पर भी रैपर लगाएं। एक कागज पर 4 लकीरें खींचें, इनमें बराबर गैप रखें जो नन्ही कैंडीज का है। इसे मोड़ लें और गोंद लगा दें। लेबल को लगाएं। लड़कियों ने नन्हे क्यूब से रैपर हटाया और खुशी से अपनी नन्ही कैंडीज के मजे उठा रही हैं। डॉली घर पर अपने सामान को निकाल रही है और उसने एक विशाल रिटर स्पॉट की बार को बाहर निकाला। वाह, ये कितनी भारी है। ये जरूर 2 पाउंड की होगी। हमें 7 आउंस पिसी हुई चीनी, 3.5 आउंस सूखा दूध या क्रीम और 3.5 आउंस घिसा हुआ नारियल चाहिए। सूखी सामग्री को मिलाएं और उसमें 7 आउंस पिघला हुआ मक्खन डालें। इन्हें अच्छे से मिला लें। पिघले हुए व्हाइट चॉकलेट को भी डालें। चॉकलेट के लेबल की उल्टी तस्वीर को प्रिंट कर लें। इस पर पार्चमेंट पेपर रखें और हॉट ग्लू से छापें। एक चकोर प्लास्टिक के डिब्बे से फालतू हिस्से को काट लें। छपे हुए हिस्से को निचले हिस्से पर जोड़ें। कंटेनर के निचले हिस्सों और साइड्स पर पिघली हुई मिल्क चॉकलेट की परत लगाएं। इसे सूखने दें। इसमें फिलिंग को डालें। इसे पिघली हुई चॉकलेट से ढकें और 20 से 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखें। सख्त होने पर चॉकलेट को डिब्बे से बाहर निकाल लें। 4 एक जैसी ही बनाएं। कुछ चॉकलेट बार्स को चौकोर आकार दें। इस पर पिघली हुई चॉकलेट लगाएं। 4 चॉकलेट्स को एक साथ जोड़ें। एक नीले कागज से रैपर बनाएं। इसकी एक साइड को सफेद टेप से ढकें। दूसरे पर चॉकलेट लेबल को लगाएं। विशाल चॉकलेट बार को रैपर में डालें और गोंद लगा दें। नीली आंखों वाली लड़की ने बड़ी मुश्किल से बड़ी चॉकलेट को तोड़ा। इसके अंदर तो फिलिंग है। यह आपको किसी साधारण दुकान पर नहीं मिलेगी। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये तो डॉली का बनाया हुआ DIY है। उसने मशहूर चॉकलेट प्रो ट्यूटोरियल में हिस्सा लिया था। वो बहुत मजेदार था। डॉली कुछ सैंडविचेस बनाना चाहती है। ये मार्शमेलो स्प्रेड काम करेगा। पारदर्शी जार के ढक्कन को लाल रंग करें। मिनी फ्लफ के लेबल को लगाएं। कुछ मार्शमेलो स्प्रेड को निकालें और छोटे जार में डालें। ये फ्लफ जार कितना छोटा है। डॉली के पास ब्रेड से भरी टोकरी है। ये स्प्रेड तो एक सैंडविच पर भी नहीं लग सकती। फिर भी डॉली ने सैंडविच बनाना शुरू कर दिया। 1, एक और, और तीसरा। जार तो अभी भी भरा हुआ है। ये तो बिल्कुल जादू है।
डॉली के हाथ में किसेस कैंडीज का पैकेट है। मिल्क चॉकलेट ड्रॉप्स को पार्चमेंट पेपर पर रखें। कुछ चॉकलेट ड्रॉप्स को डबल बॉयलर में पिघलाएं। इसे जिपलॉक बैग में भरें। एक कोने को काट लें और ड्रॉप्स पर पिघली हुई चॉकलेट को डालें। इसे एक स्ट्रॉ की मदद से थोड़ा नुकीला बनाएं। चॉकलेट को ठंडा होने दें और थोड़ी सी चॉकलेट इसके ऊपर डालें। कैंडीज को असली किसेस जैसा आकार दें। फॉइल को छोटे चकोर आकार में डालें। कोने पर एक पतली कागज की पट्टी लगाएं। कैंडीज को लपेट लें। एक छोटे प्रिंटेड लेबल को मोड़ें और पैकेट पर गोंद लगा दें। इसमें कैंडीज डालें। नीली आंखों वाली लड़की ने नन्ही कैंडीज को बैग से बाहर निकाला। अब मैं इससे क्या करूं? इससे तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। तुम सही हो, हमें एक बड़ी कैंडी चाहिए, डॉली ने चुटकी बजाई। नीली आंखों वाली लड़की ने बहुत मुश्किल से कैंडी को पकड़ा हुआ है। ये बहुत भारी है। एक बड़ी फनल की नोजल को फॉइल से बंद करें। इसे एक कप में डालें और कुछ पिघली हुई चॉकलेट डालें। पिघली हुई चॉकलेट की परत को फनल के अंदर लगाएं और सख्त होने दें। 10 आउंस मिल्क चॉकलेट को फिलिंग बनाने के लिए पिघलाएं। 3.5 आउंस बटर डालें। 2 आउंस पिसी हुई चीनी डालें जब मक्खन अच्छे से पिघल जाए। तीन आउंस हेजलनट्स डालें। 1 आउंस ब्रेकफास्ट सीरियल डालें। इस फिलिंग को बड़ी कैंडी में डालें। इसके ऊपर पिघली हुई चॉकलेट डालें और 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखें। फनल को हटा लें। इसे चाकू से खुरेदें और सही आकार दें। कैंडी को एक प्लेट पर रखें और इसे मेल्टेड चॉकलेट से ढकें। इसे सख्त होने दें। कैंडी को सुनहरे कागज में लपेटें। एक बड़े कैंडी के लेबल को लगाएं। एक कैंडी हम दोनों के लिए काफी है, मगर ये नन्ही किसेस भी स्वादिष्ट है। हमारे पास M&M का पैक है, ये दोस्तों के लिए बिल्कुल सही है, मगर ऐसा लगता है सारी कैंडीज कहीं चली गई हैं। इस पैकेट से कुछ नहीं निकला, लगता है इसमें कुछ अटक गया है। इसे थोड़ा शेक करो। आखिरकार एक जैकपॉट बाहर निकला। ये एक बड़ा M&M है। कुकीज का चूरा बना लें। इसे चॉकलेट ग्लेज में डालें। इसे मिलाएं और एक कटोरे में डालें। 2 एक जैसी सेमी स्क्वायर्स को बनाएं। रंगीन शुगर पेस्ट को बेल लें। इस पर साथ साथ पिसी हुई चीनी और स्टार्च डालें। जब सख्त हो जाए तब उस पर सेमी सर्कल्स को रखें। एक सेमी स्क्वायर को इस पर रखें। इन्हें शुगर पेस्ट से ढक लें। इसे सीम से सपाट करें। सफेद खाने लायक रंग से M लेटर को पेंट करें। एक बड़ी M&M छोटी M&M से काफी बेहतर है। सबसे पहली चीज, ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। यही नहीं, आप इसे दोस्तों के साथ बांट भी सकते हैं। चलो, मेरी दोस्त यहाँ नहीं है, मैं अपनी चॉकलेट के मजे उठा सकती हूँ। डॉली ने इसी मीठी चीज को निकाला, मगर एकदम से उसकी सहेली आ गई। उसे ये पसंद नहीं जब डॉली उसके साथ कुछ बांटती नहीं, और उसने अब उसे सबक सिखाने का सोचा। मैंने अपनी रिटर्सपोर्ट का मिनी वर्जन निकाला। एक पारदर्शी ढक्कन में पिघली हुई चॉकलेट डालें। कॉर्नफ्लेक्स का चूरा बना लें। इसे चॉकलेट में डालें जब तक वो गर्म है। बाकी की चॉकलेट को ऊपर डालें और सख्त होने दें। इस नन्ही चॉकलेट बार पर चाकू से ग्रिड बनाएं। एक नन्हे रैपर को बनाएं। चॉकलेट बार को रैपर में रखें। ये चॉकलेट बार की रेस चल रही है। ये देखो मेरी दोस्त। क्या आपको हमारी अजीब कैंडीज के रचनात्मक तरीके पसंद आए? हमें कमेंट्स में बताएं।
कि आप कौन सी कैंडीज चखना चाहेंगे, छोटी वाली या बड़ी वाली। हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आपसे ऐसे रचनात्मक तरीके छूट ना जाए।